इस पूरी डेवलपमेंट पर बात करते हैं, उसके लिए हमने एक बार फिर दावत दी। हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन बख्शी, चेयरमैन है एसोसिएशन फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आपको इल्म, आपके इल्म में होगा, आप शायद इस मुशावरत में शरीक होंगे कि ये जो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसको हुकूमत सपोर्ट करना चाहती है, उसकी अवेयरनेस उसकी हुई है, कई मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर खुद कर चुके हैं, क्या हो रहा है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खामरान साहब, और आपके तवज्जो से मैं इमरान खान साहब, हाफिज शेख साहब और शब्बर जदी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये टैक्स रिफॉर्म पैकेज लाया है जिसके तहत ये इंडस्ट्री को किक स्टार्ट मिलेगा। एक्चुअली जो आपने कहा कि हमारी इनकम पे टैक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम खुद गए थे फेडरल गवर्नमेंट के पास और हमने कहा जो टैक्स लास्ट ईयर आया है उससे 100% हम ज्यादा देने को तैयार हैं, एंड एवरी कंजेक्यूटिव ईयर 50% इंक्रीज करेंगे। हमें आप टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान जो राबता है उसको खत्म कर दें, ऑनलाइन पेमेंट करने को तैयार हैं। आई एम ग्रेटफुल कि इमरान खान साहब ने वो बात मानी और वो उन्होंने कर दी। क्या है, क्या इसके इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स ये हैं कि सबसे पहले जो भी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो इमरान खान साहब का विजन था, वो उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे, इनकरेज किया जाएगा। देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये समझ लें। ये इंसेंटिव कंस्ट्रक्शन को नहीं दिए गए हैं, ये इंसेंटिव 72 वो इंडस्ट्रीज हैं जो इसके साथ चलती हैं, और जब वो चलेगी तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इनकम वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ये है। इसके साथ उन्होंने हम पे विथहोल्डिंग की जो ममानियत थी वो भी खत्म कर दी है। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इस पर कोई डिस्प्यूट होगा तो एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा ताकि हम अफहाम व तफहीम से करें।